देखो इधर आ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैंने कल रात को कुछ अलग टाइप से दही जमाया था और इतनी अच्छी दही जमी है, आप देखो बहुत ही अच्छी। थोड़ा सा गर्म कर दिया था और दही अंदर डाला था, यानी दूध को बिल्कुल लाइट गुनगुना करा था और फिर मैंने अंदर इसके थोड़ा सा दही डाल दिया था और फिर इसको अच्छे से घुमा दिया था और थोड़ा फेंट दिया था और फिर इसके अंदर मैंने डाला था गर्म पानी का। थोड़ा बड़ा बाउल लिया था, उसके अंदर गर्म पानी था, उसमें ये आधी तपेली डिप थी आधी। तो फिर मैंने इसको ओवन में रख दिया था जिसमें यानी इसका टेम्परेचर सही रहे, यानी ऐसे तो ओवन में रख दिया था। और अभी मैंने सुबह चेक किया, क्या दही जमी है, यानी मस्त, वाह नाइस। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी मिल्क ओट्स और आज डिनर में बनेगा दलिया, वेज दलिया। तो आज शॉप भी ओपन हो चुकी है तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाकर चली जाती हूँ शॉप पे और थोड़ी साफ़ सफाई का काम करवा देती हूँ सैलून वगैरह में सब में, और फिर वापस से घर आऊँगी लंच रेडी करने के लिए। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी शॉप पे जाना है, इसलिए मैं फटाक से मेरे ये जो ओट्स मिल्क ओट्स है वो कंज्यूम कर लेती हूँ और फिर आपको दुकान पर मिलती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी शेल्फें खाली कर दी और ये सारा सामान आ गया यहाँ पर, क्योंकि पूरी कंप्लीट हम क्लीनिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग सफाई हो चुकी है और काफ़ी कितना कुछ क्लीन कर दिया हमने, थोड़ा बहुत बाकी है वो अब करेंगे। और मैं घर पे जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। हम आ चुके हैं घर पे और अभी बनेगा खाना। आज मेरे और निपेश के लिए मैं बना रही हूँ वेज दलिया और मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ तोरे की सब्जी, रोटी, चावल और मैंगो का जूस। यहाँ पर है हमारे खड़े मसाले और यहाँ पर है टोमेटो, यहाँ है अनियन और यहाँ पर है कैप्सिकम। और चलिए बताती हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ और इलायची, लौंग, काली मिर्ची। ये रहा हमारा लंच, ये मैंने बनाए हैं वेज दलिया और ये दही फ्राई वाला। मैंने जैसे ही खाना बनाया और खाया, मेरी इतना ज़्यादा मुझे हेडेक होने लगा, मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ तो सही हो जाएगा, पर सोने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी शॉप पे हैं कस्टमर और कॉल्स आ रहे हैं, एक तुम आ जाओ, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ शॉप पे, अगर कुछ शूट कर पाई तो करूँगी। अभी शॉप का क्लोजिंग होने का टाइम हो गया है और अभी बज रहे हैं, यानी क्लोज तो 4 बजे की होगी, अभी 4:48 हो रही है। अब मेरा सिर इतना चढ़ा हुआ है यानी पूछो मत। और अभी मेरे साथ इतनी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, यानी क्या बताऊँ मैं आपको, ऑलरेडी सिर दर्द हो रहा है और यहाँ पर मैंने इतने लेंसेज ट्राई करके देख लिए हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे तब, पर 4 लेंसेज मैंने डैमेज यानी खोल दिए, पर चारों में से एक भी ढंग का नहीं, एक भी नहीं, चारों के चारों मेरी आइज़ में चुभ रहे हैं और ये रिटर्न भी नहीं हो रहे थे। अब मैं क्या करूँ, रिटर्न नहीं हो रहे थे तो मैंने सोचा कम से कम यूज़ तो कर लूँ, यूज़ करूँ तो भी दिक्कत आ रही है, क्या करूँ मैं, छोड़ दो। आँखों की हालत तो देखो मेरी क्या हो गई है, आई थिंक फोकस होगा नहीं होगा, ये हालत हो गई है मेरी आँखों की, अब क्या करूँ मैं। मुझे पहने थे ब्लू कलर के लेंस और ब्लू कलर के सारे मेरे आ ही नहीं रहे लेंस, यानी इतने गंदे दिख रहे हैं। फिर मैंने फाइनली ग्रीन कलर के लेंसेज पहने, अब देखते हैं इस लुक के साथ जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। फाइनली अब मैं शूट करने के लिए बैठ गई हूँ और टी शर्ट लाना ही भूल गई, तो निपेश से टी शर्ट निकलवा के अब पहन रही हूँ, तो ये रहा टी शर्ट, उसको फिल कर दूँगी। और आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पाउडर टिन टिन, लुक देगा। वीडियो शूट हो चुकी है और अभी जा रही हूँ मैं घर पे। अभी आ गई हूँ घर पे और बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है और खाना भी बनाना है, तो मैं आपसे खाना बना के मिलूँगी। क्या पता जितना दर्द क्यों रहा है, यानी खाना खाने से पहले से दर्द हो रहा है, गर्मी की वजह से भी हो सकता है ना, हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसलिए। अभी हो चुकी हूँ मैं फ्री और जैसे ही मैं रूम में आई और मैंने चेंज वगैरह किया
तो निपेश बोल रहे हैं कि मुझे हेयर ऑयल कर दो, तो ठीक है उनको कर देते हैं। थोड़ा सा पैम्पर करना भी ज़रूरी है पति को। रापता देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। खड़ा है, खड़ी नहीं। तो मैं तो खड़ी हूँ ना आपके पास, तो भी तो मैं खड़ी है। इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, ये मेरा नाइट सूट कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।